अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रैन और आप देख रहे हैं रैन टेक टिप्स। मैं आज आप सबके लिए एक बैड न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है लेकिन ये रियल है। और मेरे पास जब सुबह मैंने अपना पीसी ऑन किया तो मेरे पास एक ईमेल आई यूट्यूब की तरफ से। इस ईमेल के अंदर न्यू क्रिएटर्स और पुराने क्रिएटर्स दोनों के लिए बैड न्यूज़ है। तो पहले मैं न्यू क्रिएटर्स की बैड न्यूज़ आपको बता दूं। वो क्रिएटर जिनके 10,000 व्यूज़ हो गए थे लेकिन 2018 में उनके एड नहीं लगे, उनके मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई, तो वो इसी वजह से थी कि यूट्यूब एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था, यूट्यूब एक बहुत बड़ी चेंजिंग ला रहा था जिसकी वजह से उसने एड वगैरह रोक दिए थे। फिलहाल 2018 में एक भी चैनल जिसके 10,000 व्यूज़ हो चुके थे, कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो उसकी वजह यही थी कि यूट्यूब ने एक नया निकाली पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक यह है कि न्यू क्रिएटर्स जितने उन सब को अब 10,000 व्यूज़ की ज़रूरत नहीं एड लगाने के लिए। अब ये कहते हैं कि आपके पास 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए आपकी वीडियोस पे, 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए। दूसरा आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर है और 4,000 वॉच टाइम है आपकी वीडियोस पे आपके चैनल पे, तो आपके चैनल पे फिर सर्वे किया जाएगा, तो आपके चैनल पे एड लगाया जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये है न्यू क्रिएटर्स के लिए जिनके एड अभी तक नहीं लगे। और वो लोग जिनके एड लग चुके हैं, जो कि पैसे अर्ली कर रहे हैं या अर्ली आने वाली है, जिनकी पहले आई है या ली आई, जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब मैं उनको बताने जा रहा हूँ। उनके लिए भी बैड न्यूज़ है, उनके लिए ये जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर एड लग चुके हैं। तो ये पुराने क्रिएटर्स के लिए जिनके चैनल पर एड है, इस 20 फरवरी को ये पॉलिसी स्टार्ट होगी। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एक साल के अंदर अंदर तक। कौन? पुराने क्रिएटर जिनके एड लग चुके हैं। और दूसरा इनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आपके पास भी एक साल के अंदर 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए आपकी वीडियोस पे, आपके चैनल पे 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए एक साल के अंदर अंदर तक। अगर आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर या 4,000 वॉच टाइम नहीं हुआ एक साल के अंदर अंदर तक, तो आपके चैनल से एड हटा दिए जाएंगे, आपके चैनल पर से मोनेटाइजेशन ख़त्म कर दी जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग के अंदर सब चीज़ें पूरी डिटेल से बताई गई हैं। तो ये अभी न्यू अपडेट है बहुत ही। इस न्यू अपडेट को सुन के काफ़ी मुझे दुख हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल हाथ पर छोड़ दें, आप लोग नाउमीद हो जाएं। अगर आपके कंटेंट में जान है, अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो आपकी वीडियोस पे वॉच टाइम आएगा, आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और आपकी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आप एड लग जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इससे जो मतलब बुरा असर उन लोगों को पड़ेगा जो गलत वीडियोज़ बनाते हैं, जिनके पास अपनी वीडियोज़ नहीं होती, तो दूसरे की वीडियोज़ कॉपी कर करके डालते हैं। तो इस लिहाज से उस तरह के जो छोटे मोटे जो चैनल हैं जो कि गलत काम करते हैं, वो जो चैनल्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जो कि मेहनत से काम करते हैं, अपना काम करते हैं, जिनके कंटेंट में जान है, उन्हें डरने की, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है सब क्रिएटर्स के लिए कि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। और जिनका मोनेटाइज है भी, उनके भी इंशाअल्लाह ताला साल में जो यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक उतने सब्सक्राइबर और उतने वॉच टाइम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल परेशान नहीं हो आप लोग, आप लोगों को पीछे नहीं हटना। यूट्यूब यही देखता है कि आप लोग कौन काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहे। आप लोग अपने रेगुलर काम करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, इस तरह की वीडियोस बनाएं कि आपकी चैनल पे बस आपके वॉच टाइम भी हो, सब्सक्राइबर भी मिले और यूट्यूब के पॉलिसी के मुताबिक हो वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने न्यू अपडेट के बारे में आपको बताया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुद वहाँ पे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हौसला मत हारें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अली रेहान, आप देख रहे थे रेहान टेक टिप्स।